भारतीय पहलवानों का रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन जारी है। शुक्रवार 28 अप्रैल को दिल्ली पुलिस ने WFI अध्यक्ष के खिलाफ कनॉट प्लेस थाने में 2 FIR भी दर्ज कर ली। इन सब के बीच धरने पर बैठी विनेश फोगाट बहन बबीता फोगाट से नाराज हो गई। विनेश ने यह नाराजगी सबके सामने जाहिर की है। ट्विटर पर विनेश ने बबीता से कहा, आप भी महिला हैं और हमारे दर्द को समझने की कोशिश करें। ये कहां से शुरू हुआ, आइए जानते हैं। सबसे पहले बात करेंगे पूरे मामले की। दरअसल फ्रीलांस पत्रकार मनदीप पुनिया ने एक फोटो शेयर करते हुए बताया कि बबीता फोगाट ने उन्हें ब्लॉक कर दिया है। साथ ही मनदीप ने लिखा, बबीता फोगाट जो कुछ लिख रही हैं उसका मकसद महिला खिलाड़ियों के आंदोलन को कमजोर करना है। जनवरी में अपनी ही बहनों के साथ धोखा कर चुकी हैं, अब उसके अनाप शनाप ट्वीट्स का जवाब देने लगा तो उन्होंने मुझे ब्लॉक कर दिया। बबीता ना अपने खेल की सगी हुई और ना ही अपनी बहनों की। इस ट्वीट को कोट करते हुए विनेश फोगाट ने लिखा, अगर पीड़ित महिला पहलवानों के हक में नहीं खड़ी हो सकती तो बबीता बहन आपसे हाथ जोड़कर विनती है कि हमारे आंदोलन को कमजोर तो मत करो। सालों लगे हैं महिला पहलवानों को अपने उत्पीड़क के खिलाफ आवाज उठाने में, आप भी महिला हैं और हमारा दर्द समझने की कोशिश करो। इससे पहले बबीता फोगाट ने ट्वीट कर लिखा था, शून्य से उठकर शिखर तक पहुंचने वाली हम खिलाड़ी अपनी लड़ाई लड़ने में स्वयं सक्षम है। खिलाड़ियों के मंच को राजनीतिक रोटी सेकने का मंच नहीं बनाना चाहिए। कुछ नेता खिलाड़ियों के मन से अपनी राजनीति चमकाने में लगे हैं। खिलाड़ियों को भी यह ध्यान रखना चाहिए, हम किसी एक के नहीं समूचे राष्ट्र के हैं। बताते चलें, 2019 में बबीता भारतीय जनता पार्टी से जुड़ गई थी। जनवरी में पहलवानों के धरना प्रदर्शन के बाद सरकार ने जो ओवरसाइट कमेटी बनाई थी उसमें बबीता को भी रखा गया था। इस धरने के दौरान बबीता ने पहलवानों और सरकार के बीच मध्यस्थता भी की थी। बता दें कि खिलाड़ियों का यह प्रदर्शन अब राजनीतिक मंच बनता जा रहा है, क्योंकि खिलाड़ी जब इससे पहले धरने पर बैठे थे तब उन्होंने किसी सियासी पार्टी या नेता को मंच के पास भटकने नहीं दिया था। हालांकि इस बार मंच पर राजनीतिक दलों के नेताओं की भरमार है। शनिवार को भी नेताओं का जमावड़ा रहा। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आए और साथ में यहां की मेयर शैली ओबेरॉय भी। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा भी हरियाणा से पार्टी के राज्यसभा सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा को लेकर पहुंचे। केजरीवाल और वाड्रा दोनों ने ही पहलवानों का साथ देने की बात तो कही, मगर बीजेपी सरकार पर निशाना साधने से नहीं चूके। जंतर मंतर पर धरना दे रहे पहलवानों को अब डर सताने लगा है। कुछ विपक्षी दलों ने इसे अपनी एंटी बीजेपी एजेंडा प्रमोट करने का मंच बना लिया है। इतना संवेदनशील मुद्दा कहीं सियासत की भेंट न चढ़ जाए, पहलवानों को इसकी आशंका है और इस बात का डर सता रहा है। फिलहाल इस खबर में सिर्फ इतना ही। बाकी और खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए जनसत्ता के साथ।